हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जैद और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर दैट इज़ उपास तो तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा शाल पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही बढ़िया चैप्टर था आज हम लोग पढ़ते हैं उपास तो इसके जो राइटर हैं वो पुला देश पांडे जिनको आपने थोड़ी सी झलक देखी होगी पिछले लेसन में तो आज पढ़ते हैं कि कैसी कहानी है ये ये हाथ से कहानी है दोस्तों आपको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं माझिया खाजगी उपोषणा हकीकत चाड़ीस जाहिर झाली, आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड़ है उगी छात दाखून अवलक्षण है फैलन नहीं तेवं खाजगी झाली अशी वाक्य माझिया कानावर येऊ लागली मतलब राइटर कहते हैं कि उनकी खाजगी उपोषणा मतलब कि उनका प्राइवेट जो उपास था उसकी जो खबर थी वो पूरे चाल में फैल गई थी तो चौल में फैलने के बाद पूरी खबर लोग आने लगे उन्होंने कहा कि ना ही तो भानगढ़ा है मतलब कि जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है ये फालतू तो मैटर है और फिर कुछ लोगों ने कहा हाथ दा खून और लक्षण मतलब खुद पे खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और कुछ लोगों ने कहा कि खाएगा खाएगा नहीं तो कैसे रहेगा ये ऐसा ऐसा वाक्य इनके कानों में आने लगा पन मी कोणत्या ही टीकेला भी घाल नवता पर इससे इन्होंने किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया एक से इक्यासी पाउंड रात्र दिवस दे कार्ड मार जा या पुड़े नाचत होते वजन कमी झाले पाइजे या बेचारा ने झोप उड़ाली। उड़ा ली एक सौ इक्यासी पौंड इनका वजन था दोस्तों मतलब लगभग सौ किलो के रहे होंगे ये तो ये जो कार्ड मतलब एक कार्ड पे आया था ये तो वो कार्ड पे एक तरफ भविष्य रहता और एक तरफ आपका वजन तो इनका वज़न जब आया था तो ये कार्ड उनके आँखों के चारों ओर घूम घूम रहा था वजन कम होना चाहिए ये विचार के वजह से उनकी जो रातों की नींद थी वो उड़ गई थी जो कमी झाली तर वजन उतरते या बेचाराने माला कुर्तिया चे काही वाटत नव्हते कुछ लोगों ने कहा था कि अगर नींद कम रखोगे तो आपका वजन कम होगा लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मी पूर्वी सारखी गाढ़ झोपत नाही या पर धर्म पत्नी जी मात्र अजीबात विश्वास नव्हता घोरत तरसता रात्र भर अशा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे मतलब कि मी पूर्वी सारखी मतलब पहले की तरह वो गहरी नींद में सो नहीं पा रहे थे इसीलिए उनकी धर्म पर उनकी धर्म पत्नी कहती थी कि रात भर खराटे खर मारते हो और इस तरीके का बैक आंसर उनकी पत्नी उनको दिया करती थी दोन महीनियाँ पन्नास पाउंड वजन कमी कर दाखवीन तर खरा अशी भीष्म प्रतिज्ञा करुन मी आहार शास्त्रवाच्य पुस्तकात डोके घालू लागला प्रोटीन युक्त पदार्थ चरबी युक्त द्रव्य वगैरह शब्द बदल ची माझी आस्था वाड़ू लागली मतलब दो महीने में पचास पाउंड वजन कम करके दिखाएंगे ये ऐसा इन्होंने कहा और ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा मतलब कठोर कसम इन्होंने ली और इसके बाद वो आहार शास्त्र मतलब डाइट की बुक में लग गए और प्रोटीन युक्त पदार्थ ये सारे पदार्थ उन्होंने खा आस्था वाढ़ू लागली मतलब इनकी तरफ वो आदर करने लगे उनकी तरफ जाने लगे सारे तटातले पदार्थ माला ना दिस तर नुस्तियाँ कैलरीज माला दिसू लागले आई आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरने शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मेरा रोज़ डजनवरिने भेटू लागले मतलब कि इन्होंने पदार्थ में कैलोरीज़ जिसमें ज़्यादा कैलोरीज़ रहती थी उनको ना खाने का फैसला किया था इन्होंने और ऐसा था कि जो चौल में जो लोग थे वो एडवाइस देने के लिए इनको डेली मिलने लगे ने मतलब एक्सपर्ट तो शास्त्रों की एडवाइस आप लोग जानते होंगे एडवाइस सब लोग फ्री में दे देते हैं तो रोज़ इनको बहुत सारे लोग डजन ने मतलब बारह से भी ज़्यादा लोग इनको रोज मिलने लगे इतकेच का परंतु ज्याचीतल लोकनी उपाशा अवहेलना के लिए होती यानी च मेरा डाइट का सलाह दिला उदाहरण सोकाजी त्रिलोकेकर अब इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरी डाइट का सम्मान नहीं किया था अवहेलना की थी मतलब चेष्टा उन्हीं लोग ने इनका डाइट का सलाह दिया एडवाइस दिया एक एग्जांपल है सोकाजी त्रिलोकेकर अब इन्होंने क्या किया देखते हैं तुला सांगतो मी पं डाइट कर बटाटा सोड़ बटाटे अच्छा नाव काढ़ू न कोस अब वो कहते हैं कि मैं तुमको बोलता हूँ पन तुम आलू का नाम मत लो आलू छोड़ दो डाइट करो हो मंझे कुठा रहता अब उन्होंने पूछा तुम कहाँ रहते हो बटाटे अची चाट बटाटे अच्छी चाट खाली चाट बोलो आप बटाटे का नाम मत लो वजन वाढ़ेल ठीक ही जनूबा रे गेल या इस माला काय मढ़ावे हे माला करत नाही नेहमी तिरके बोलने आची मंझे काय अब ये जो जनूबा रेगे थे वो हमेशा तिरके मतलब खोटे बोलते थे मतलब हमेशा वो उल्टी बातें बोल दिया करते थे और नेगेटिव बातें बोल दिया करते थे और इन्होंने कहा कि अगर तू आलू खाएगा तो तेरा वजन फिर से बढ़ जाएगा शोकाजी त्रिलोक के करने पर शोका जी ने त्याला परस्पर जम जामुन टाकले ए डाइट ए इडियट सगड़याच गोष्ठी जोक का मारत अस्तो तो अब इन्होंने फटाफट शोका जी ने जनोबर रेगो को डांट दिया कहा हर हर चीज़ में तुम जोक क्यों मारते हो हमेशा मी संग तो तुला पंत तू तु बटाटा सोड़ मैं का सोड़े अस्त माजे वजन घटेल और या ती यादी बटाटापासन सुरू राइटर कहते हैं कि सबसे पहले मुझे जो लिस्ट बनानी थी कि मुझे क्या क्या छोड़ना है उसमें सबसे पहले नाम आया बटाटा क्योंकि इसे शोकाजी त्रिलोके करने कहा था बटाटा छीट थी ठीक है पं पंत आदि भात सोड़ा एक सलाह भातान थाणा लठ वे भावे, वहायला होते आमच्या कोकणात सगले भात खाता कुठा आहेत लठ तुम्हें डाढ़ सोड़ा काशीनाथ नाड़ी अब कुछ लोग कहते हैं तुम भात छोड़ दो और भात जो लोग खाते हैं वो लोग मोटे हो जाते हैं फिर राइटर कहते हैं कोकण में तो बहुत सारे लोग भात खाते हैं कौन है मोटा अब काशीनाथ नारकर्णी कहते हैं कि तुम दाल खाना छोड़ दो मुख्य मनजे साखर सोड़ा और तुम चीनी खाना भी छोड़ दो मी सांगू का मीठ सोड़ा अब कोई कह रहा है कि मीठ मतलब नमक छोड़ दो लोणी तूप सोड़ा एका आठवड़िया दहा पाउंड वजन घटला ना ही तर नाव बदलीन अब कोई कह रहा है कि तुम लोड़ी तो मतलब मक्खन घी खाना छोड़ दो एक हफ्ते में दहा दस पाउंड वजन नहीं घटा तो मेरा नाम बदल देना आमचा हेड क्लर्क आचा वाइफ चा घटला और वो कहते हैं कि मेरी हेड क्लर्क के वाइफ का घट गया था तेल आनी तर लेले पदार्थ आदि सोडा वो कहते बाबू काका कहते हैं कि जो तेल है और जो तले हुए खाने हैं उनको छोड़ दो दिवसा झोपना सोडा मतलब दिन में सोना छोड़ दो खरा मनजे पत्ते खेड़ा सोड़ा बसुन बसून वजन मारते अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्ते खेलना छोड़ दो क्योंकि बैठ के पत्ते खेलते हो जिसकी वजह से वजन बढ़ता है मी मात्र या सर्वजनांचे जनांचे एकुन मनांचे उन कराचे ठरवले होते पहला उपाय मंजे मी आहार परिवर्तन शुरू के लिए अब सबका इन्होंने सुना पर करते ये अपने वाली है ये बहुत ही फेमस वाक्य प्रचार है मराठी में एकावे जनांचे करावे मनांचे मतलब सबका सुनो पर करो अपनी वाली तो इन्होंने पहला उपाय क्या शुरू किया आहार परिवर्तन मतलब डेली डाइट में इन्होंने थोड़े से चेंजेस लाए साखरेत सरवाना अधिक कैलरी अस्तात मतलब चीनी में सबसे ज़्यादा कैलरी होता है इसीलिए मुझे सबसे पहले बिना साखर की मतलब बिना चीनी की चाय शुरू करना होगा पहला दिवसीय विशेष फर्क ही वाटला नहीं पहले दिन इनको ज़्यादा खास फर्क दिखा नहीं घरत साखरबंदी जाहिर के लिए कुटुम्बाला सारी दिवाड़ी तिखट मिठावर उर्कायचा सख्त ताक़द दिली अब इन्होंने पहले दिन साखरबंदी बन मतलब चीनी पे बैन लगा दिया अपने घर पे इन्होंने कहा कि चीनी की आज आज से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा और दिवाली में भी इन्होंने कहा कि तीखे तीखे पकवान बनाओ ऐसा वार्निंग दिया था ताकीद दिया था मुला साठी मतलब बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बना सकते हो एवड़ी सहूलत ठेवली मतलब इतना छूट दिया कि तुम बच्चों के लिए बना सकती हो पहली दिवसीच माला फ़र्क जानवाला लागला और पहले दिन जब इन्होंने चीनी छोड़ा तो इनको थोड़ा बहुत फ़र्क लगने लगा भात आजीबात वर्ज करने अवघड़त होते भात छोड़ना मतलब बहुत ही मुश्किल था इनको लिए इनके लिए क्योंकि भात ये बहुत खाया करते थे मरुन फ़क्त पहला भात अड़ी ताक भात ठेऊन मधला भात वर्ज के लिया मतलब कि मधला भात मतलब जो दोपहर में खाते थे उसको पहले छोड़ा वर्ज मतलब छोड़ने नुस्ती उकड़ लेली पाले भाजी खाने कसे जमना हा विचार किति पोकड़ पोकड़ होता याचा अनुभव मी खाल आला आड़ी मिचिया भाजीत ही निराड़े काय करते याचा अजून ही या अंदाज आला नहीं अब जो नुस्ते उकड़ ले लिया बिना बॉईल बॉयल किए आपको डायरेक्ट खाना है वो थोड़ा सा बस उसको भूज के थोड़ा सा आपको खाना है और ऐसा खाना कितना मुश्किल होता होगा खाने के लिए ऐसा वो सोच रहे हैं क्योंकि ये हमेशा बढ़िया बढ़िया खाना खाया करते थे कितना मुश्किल है ये पहला दिवस सुरड़ीत केला मतलब पहला दिन ठीक ठाक गया आँ दूसरा दिवसी व्रतभ भंगाचा प्रसंग आला दूसरे दिन व्रत भंग मतलब कि व्रत को छोड़ने का कोई मौका आया पहले दिवसी नि निम्हा अधिक कचरे कचेरीला माझ्या वजन घटनेचा व्र व्रताचि वार्ता गेली होती और कचेरी तिल मतलब इनके ऑफिस में इनका जो वजन है वो कम करने का न्यूज़ चला गया था परंतु दूसरे दिवसी आमझिया अन्ना नाड़ गौड़ाला प्रमोशन मिला लिया वार्ता अभी वो प्रसंग क्या था वो प्रसंग ये था कि अन्ना नाड़ गौड़ा को प्रमोशन मिल गया था ऑफिस में ऑफिस में प्रमोशन मिला है मतलब इनको पूरे इन्होंने पूरे सेक्शन को पार्टी दिली पार्टी दिया कैंटीनिचे आचार्या ने तर माझा डाइट व सोड़ घेचा असले ठरबून पदार्थ के लिए होते कैंटी नीचे आचार्य ने मतलब जो कैंटीन में जो शेफ था उन्होंने इनसे सूढ़ मतलब बदला लेने की पूरी प्लानिंग की थी ऐसे ऐसे खाने बनाए थे पंत से बरे ना खावे तर अन्ना नाड़ घौड़ाला वाइट वारनार व वो तो ठीक है लेकिन नहीं खाया तो अन्ना नाड़ घोड़ाला को बुरा लगेगा बेचारा सहा वर्षानी एफिशियंसी बारशिया जाड़यातून बाहर पड़ला होता मतलब कि चार छः साल उसने मेहनत की और उसके बाद उसको प्रमोशन मिला तो मैं नहीं खाऊँगा तो बुरा लगेगा और अभी कहते हैं आचार्य ने मिठाई साखर ना घालता साखरेद मिठाई घालून आडली होती और जो आचार्य था जो शेफ था उसने मिठाई में चीनी नहीं डाली थी चीनी में मिठाई डाल दी थी मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि, कि कितना मीठा बनाया होगा घासा घासा गड़ी सहस्त्रवादी वादी कैलरीज पोटास चाल लिया होत्या जैसे जैसे वो खा रहे थे जैसे जैसे वो बाइट ले रहे थे वैसे, वैसे वैसे उनको लग रहा था कि कितनी सारी कैलरीज जा रहे हैं त्यामुले तैमुड़े त्या खा लेले गोड़ लागत नफते बटाटे बड़े होते मंझे आड़खी कैलरी वहाँ पे बटाटा बड़ा भी था मतलब और कैलरी चिबड़ा था वनस्पति में तला हुआ और कैलरी त्यामुड़े आड़खी कैलरीज आड़ी एवड़े सगड़े हरदून शेवटी भाजिया शिवाय पार्टी दिली और ये सब खाने के बाद भाजिया पार्टी कसली मतलब भांजी के बिना पार्टी कैसी भजिया के बिना पार्टी कैसी या भिकोबा मुसरिया ने टोनिया टोमिया मुड़े चेकाडून नाड़गौड़ा ने स्पेशल दिला। अब अन पंत पहले ही बहुत कुछ खा चुके थे पुला देश पांडे अभी इन्होंने कहा कोई तो कहा वहाँ पे कि बिना भजिया के कैसी पार्टी बिना पकौड़ों के कैसी पार्टी नाड़गौड़ाना को ये खबर मिली तुरंत उन्होंने बहुत ही स्पेशल भजिया ऑर्डर किया शेवटी मिला मला राहवेना भाजिया ने सहावी प्लेट उड़ लियावर मी अत्यंत केलविने स्वर स्वरात सद्या मी डाइट वर असल्याचे संगीत लियावर सर्वानी मला वेड़यात काट ले अब इनसे रहा नहीं गया जब इन्होंने भजियो को देखा तो छः प्लेट ये भजिया खा गए अरे पंत खान्याचा अड़ी वजनाचा का संबंध बिकोबा मुसरे मढ़ाला अभी बिकोबा जो है वो कहते हैं कि खाने और डाइट का कैसा संबंध खाने से थोड़ी ना वजन बढ़ता है कैसी बात कर रहे हैं ये मी वग एकवीस गुलाब जामुन खाल लेव का आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं के तुझी कुंभ रास नी कुंभ लग्न है नुस्ता वायु भक्षण करुण राहिलास तर तू असा जोड़ जाड़िया रहना लठपणा का अपने हाथात है अब भिकोबा कहते हैं कि मैंने तो 21 प्लेट गुलाब जामुन खाए 21 गुलाब जामुन खाए और उसके बाद भी मेरा वजन नहीं बढ़ा अपन एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्या तेरा जो रस है वो कुंभ रस है और कुंभ लग्न है जिसके कारण तेरा वजन बड़ा ही रहेगा अब ये थोड़ा सुपरिस्टिशियस बातें कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि वजन अपने हाथ में थोड़ी ना है उसको बढ़ना रहेगा वो बढ़ जाएगा नॉन सेंस जगदाड़े उड़ला रनिंग कर रोज अब उन्होंने कहा नॉन सेंस कैसी बातें कर रहे हो तुम वजन अपने हाथ में है अगर तू रनिंग करेगा तो तेरा वजन घटेगा रनिंग कर रोज मतलब तू रोज दौड़ जॉगिंग कर रनिंग प्रेक्षा देखी दोरी वर्चा उड़े मारा बड़ा का पंत माजिया सिस्टर चा वेट 40 पाउंड उतरला दोरी वर्चा उड़िया ने कुमलनी कैंकरे मड़ाली को कुमलनी कुमलिनी कैंकरे जो थी वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम दौड़ने के बजाय दोरी वर्चा उड़िया मतलब थोड़ा सा डोरी पे जो हम लोग कूदते हैं वो अला करो उसकी वजह से जो तुम्हारा वजन होगा वो घटेगा मेरी बहन जो थी उनका चालीस पाउंड वजन घट गया और ऐसा कमली ने कहा था शेवटी सर्वाच्य माते मी सकनी रनिंग आणि संध्याकाळी दोरी उड्या मारव्यात असे ठरले मी सातव्या बशी मधे भजे उचलले. और सातवा प्लेट जो इनको का था वो इन्होंने बस में खाया और इन्होंने सुबह रनिंग करने का और शाम को दोरी वरचा उड़िया मारने का प्लानिंग किया था कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाइट के उत्साह आवर्णनीय होता और जब इनकी कुटुम मतलब इनकी जो बीवी थी इनको जैसे ही पता चला कि ये डाइट करने वाले हैं उनका जो उत्साह था वो बहुत ही अवरणीय मतलब अनडिस्क्राइबेबल था कारण रोज का ही का ही चमत्कारिक पदार्थ माँ ज्यापानात पड़ाया लागले ले एक ही दिवसी नुस्ते पड़बड़े उकड़ून तिने मला खायला दिले अभी रोज़ रोज इनको बहुत ही अच्छे अच्छे खाने दिखते थे चमत्कारिक पदार्थ तो इसीलिए उसकी वाइफ को लगा कि ये क्या डाइट करेंगे एक दिन उनको नुस्ते उकड़ ले मतलब जो पड़ परवर था वो बिना उकड़े बिना बिना बॉयल किए उनको दे दिया और कहा खा से खाओ सेवाचा शेंगा पडवर भिंडी चावड़ीचा शेंगा वगैरह सड़पातड़ भाजा ने खुराक तीने चालू के लिया और फिर उनके बाद उसने बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान इनको देना शुरू किया जिससे इनका वज़न घट जाए गोभी क्वाली वगैरह बाढ़ से स्वयं पाक घरातून हकाल पट्टी झाली मतलब कि जहाँ पे क्वाली फ्लावर चीज़ें बनती थी वहाँ पे ये सब की हकाल पट्टी मतलब मना हो गया ये सब सकाच का देखिल सुरुआती होता तसाला नहीं बिन सागरे का चाह इतका कड़ू लागता असेल अशी या पूर्वी कधी कल्पना आली नहीं मला चहा सुरुआती बिन सागरेचा असन ही कड़ू लगला नहीं मतलब शुरुआत में इनको ज़्यादा कड़वा कर, नहीं लगा चाय आड़ी आता का लग तो सांग मतलब की ये कि ये कह रहे हैं कि चाय तो ज़्यादा कड़वा लग ही नहीं रहा ऐसा लग रहा है कि इसमें चीनी है और ऐसा जब इन्होंने कहा तुरंत उनकी जो कुटुम्ब मतलब कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने खुलासा किया हे ते मटलेज काय आहो मजे शुरुआत तील तुम्हें तुम्हारा बिन साखरेचा चाय दिलो तो बिन साखरेचा नवतीज मुड़ा नवता मग मला बिन साखरेचा चाह मड़ून काय सांगित अभी ये कहती हैं कि मैंने तुम्हें शुरुआत में तो बिन साखर का चाय दिया था लेकिन अभी जो चाय तुम पी रहे हो उसमें चीनी मिला हुआ है पर तुमने ऐसा क्यों किया अभी ये राइटर पूछ रहे हैं ओहो थोड़ी सी चराहली होती साखर ती संपे पर्यंत मटला घालू काल संपली मतलब ये कह रही हैं कि अभी तक चीनी था इसीलिए मैं तुम्हें चीनी डाल डाल कर देख रही थी ख़त्म हो जाएगा तो बिना चीनी की चाय तुम्हें दूँगी और कल खत्म हुआ है तो मैं आज तुम्हें चाय दे रही हूँ जो इसीलिए बहुत कड़वी है अब इनको समझ में आया कि इसमें चीनी मिला हुआ था आज पास उन बिन साखरेचा चहा केलाज की साखर ना घालता मांझे खल्लास अग किती लाख कैलरीज गिल अस्थिल माझ्या पोटात कसला कमी होते माझे वजन अब ये बोल रहे कि इतने दिन तुमने मुझे चीनी वाला चाय दिया कितने सारे कैलरी गए होंगे मेरे पेट में वजन कैसे घटेगा मेरा संगीतला का ना मला तो अभी वो पूछ रही कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं उगीच उगीच आरडा ओरडा नका करूँ मतलब बिना कारण के चिल्लाओ मत ते काय मेल होल हड़ू हड़ू कमी आड़ी कोणाज मांगून खात ना ही हम मतलब वो उनकी बीवी कह रही हैं कि होगा धीरे धीरे वजन कम होगा और किसी का मांग के थोड़ी नाम खा रहे हैं हम खुद कमा रहे हैं और खुद खा रहे हैं वजन बढ़ रहा है तो बढ़ने दो मुलाना दिनिया साठी लाड़ू काड़ून बसी ठेवत आड़ी माझा वजन छः संकल्पनाचा आड़खी नवे सुरुंग लाविती ती ली मतलब वजन कर कम करने के लिए उनके मन में एक कल्पना आई लाड़ू कशाल के लिए साखर असेल त्याग अभी उन्होंने जो लड्डू दिया तो उसमें पूछा कि कैसे बनाया वो उसमें चीनी है क्या इस साखरे शिवा लाडू आमचिया नहीं घरान्यात केली लिए तात्पर्य चाह बिन साखरे चा होता है खरे परंतु लाड़ू रूपाने का ही काही कलरीज पोटात के आज अब इन्होंने कहा चाय बिना चीनी की थी तो ठीक है लेकिन जो लड्डू है उसमें चीनी है दोरी वर्चा उड़िया ने फ्त एक एक प्रयत्न केला वह पहली उड़ीच शेवटी ठड़वली अब वो ख़त्म हुआ इनका चाय वाला किस्सा अभी शुरू हुआ कि इन दोरी वर्चा उड़िया मतलब जो जंप करने को इनको कहा गया था तो इन्होंने पहले दिन जब ट्राई किया तो पहली बार इनके लिए आखिरी बार बन गया थी वो आठ गुणीले दहा मतलब आठ बाई दहा की खोली में इनके जब पहली बार इन्होंने पूरी दोरी मारी तो उसके बाद जो पालीकड़े गेली गई तीन ड्रेसिंग टेबला वर्चिया मतलब पालीकड़े मतलब उस तरफ गई और वहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल था वहाँ पे वहाँ पे जो इनका औषधि का बॉटल था वो नीचे आ गया और टूट गया जिसके कारण बहुत ही नुकसान हुआ तेल का भी बॉटल था उसका भी नुकसान हुआ और जब दूसरी बार इन्होंने कोशिश किया तो गैलरी में कोशिश किया था अड़ी अर्धवत घरात राहुल दोरी फिरौली ती आचार्य बाबा बाबा बरवे अच्छा गड़यात अब दूसरी बार जब इन्होंने कोशिश की तो जब रस्सी इन्होंने उठाया तो वो आचार्य बरवे के गले में चली गई वहाँ पे फंस गई परंतु आचार्य बाबा बरवे जा रहे अच्छा खोलित असून ही आले नाहित कारण उपास है त्याचे खास राखीव कारण है मतलब जब उनके गले में वो गई डोरी तो वो वापस आए नहीं क्योंकि वो उपास करते थे और ये उनका बहुत ही खास राखीब कारण है मतलब बहुत ही जैसा रिजर्व फॉरेस्ट होता है वैसा है इनके लिए ये प्राइज पोशेन था खाद दुष्ट पणा माझिया गड़ियात दोरी अड़कून केलेले हा ठीक आए झाला अब ये कहते कि इस दुष्ट ने मेरे गले में दोरी डाली चला ठीक है चलेगा पर तुम चिया ना न शोभारिया है धिंगा मस्तीला दुस दूसरा कोड़ी माझा सारखा बड़ी पड़ला आस्था तर तुम्ची धड़गत नवती मी तुम्हारा क्षमा कर दो पन मी हे मुद्दाम केला नहीं आचार्य अभी गुस्सा होके आचार्य इनको डांट रहे हैं तो राइटर कहते कि मैंने जानबूझ के नहीं किया है मुद्दाम में नहीं किया है अहो वजन कमी करा लिया दो उड़िया मारता हूँ भी मैं वजन कम करने के लिए एक जंपिंग करता हूँ डेली अभी उन्होंने कहा कि का ही उपयोग होना नहीं इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है अब पंत पूछ रहे हैं क्यों नहीं होने वाला है का मनजे जीभे पर तावात ना ही तुम चाह जीभ पे तो तुम्हारा नियंत्रण नहीं है पहले सेल्फ कंट्रोल करो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो एकाग्रता हवी मतलब कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए त्या साठी प्रथम मनजे का ही गोष्ठी सोड़व्यात लग उसके लिए शुरुआत में तुम्हें कोई कई कई चीज़ें छोड़नी होगी आता है या उड़िया महाराज मी लाज देख ही छोड़ ली है पाता ना तुम्हें बाबा ठीक है प्रथम बोलना छोड़ बोलना छोड़ू अभी ये कहते हैं कि ठीक है मैं ये दोरी वर्चा उड़िया छोड़ दूँगा लेकिन क्या करूँ मैं बाबा तो अभी बाबा बोलते हैं कि तुम बोलना छोड़ दो बोलना छोड़ दोगे तो तुम्हारा वजन घट जाएगा तो ये कहते हैं बोलना छोड़ू सही में कैसे आज ही बात खाने साठी तोंडाचा वापर कमी कराया एवडा पाला तुम्हें पन बोलने सा देखा वापर बंद के लिया शिवा तुम्हें जीभ ताब्यात रहना नहीं अब इन्होंने कहा कि आज ही बात मतलब पूरे तरीके से तुम जीभ का इस्तेमाल बंद कर दो खाली खाने के लिए यूज़ करो और बोलो मत क्योंकि नहीं बोलोगे तो तुम्हारे जीप पे कंट्रोल रहेगा ताब्यात मतलब ठीक रहेगी पर म बोलना चाहिए बाबा मी केविल वाने अच्छा स्वरात ओर लो अभी इन्होंने दुखी स्वर में बोला कि मुझे बोलना होगा बाबा कापन अब उन्होंने कहा क्यों तुम चाहम संयम इतना नहीं है तुम्हारे पास मोनाचा सामर्थ्य मोटा है मौन ही शक्ति है मतलब वो कहते हैं कि जो मौन है जो शांति है उसका जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा है ये शक्ति है ओडिया महाराज माजा डोरी वर्चा एक, एक टोक हाथात धारून बाबा एक ताज मोनाचा महत्व या विषयावर बड़बड़त होते मतलब इन्होंने गलती से एक बार इनके गले में डाल दिया डोरी तो उसके वजह से ये पूरा लेक्चर सुनाया इन्होंने पूरे एक घंटे तक इनको मंझे बोलने आचा आड़ी खाने आँचा संबंध का भी इन्होंने पूछा कि बोलने और खाने का क्या संबंध है मैं टेलीफोन ऑपरेटर आए बाबा दिवस भर बोलने आचा लागला मरा अब ये कहते हैं कि मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ मुझे बोलने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है नहीं बोलूँगा तो मेरा वही तो काम है नहीं बोलूँगा तो मेरा क्या होगा मैं कसला वज़न उतरना तुम्हें अब कैसे तुम्हारा वजन उतरेगा अत्यंत कारुण पूर्वक मतलब कुछ होने वाले के बाद मतलब उन्होंने और कहा कि बाबा गेले मतलब थोड़ी देर के बाद बाबा गए अच्छा गढ़ियात पड़ ले ली डोरी मघासी में गच्छ आबड़ली ना का ना ही यह विचारा ने मैं पश्चाताप झाला अब इन्होंने कहा कि मैंने जो डोरी डाली थी उनको अच्छा लगा या नहीं इसका उन्हें पश्चाताप हुआ मग मात्र में चिड़लो लो निश्चय केला ला कि बस या पुढ़े उपास वजन उतरे पर्यंत उपास अब इन्होंने कहा कि अब जब तक मेरा वजन नहीं घटेगा तब तक मैं उपास करूंगा ऐसा उन्होंने फैसला किया मलामी काटकुड़ा झाले आचा स्वप्ने पड़ू लाग ली ने इनको जो सपने थे वो काटकुड़ा मतलब कि पतला होने के आने लगे कि मैं सपने में बहुत ही पतला हो गया हूँ ऐसे सपने आने लगे भर लिया ताटा वरुण मी उठो लाग लो आड़ी बिन दूधाचा काय पन बिन चहाचा देखिल चहा मी पीऊ लाग लो मतलब कि इन्होंने ग्रीन टी पीना शुरू कर दिया जिससे इनका वजन कम हो जाए साखर पायली की माझिया अंगाजा तिड़ पापड़ हो लाग लो मतलब कि जैसे ही ये देखते थे कि चीनी चीनी को देख के इनको बहुत ही गुस्सा आने लगा तिड़ पापड़ मतलब गुस्सा केवल फड़ावर मी जगू लाग लो सिर्फ फल खा ला। के ये जगने लगे लिंबाचा रस तरमला अमृता सारखा वाटू लागला जो नींबू का रस था वो इनके लिए अमृत बन गया धारोश ने दूधा साठी मतलब सिर्फ कच्चा दूध कच्चा दूध ही पीते थे अधुन मधुन अंधेर गोठ्यात जाऊ लाग लो सुबह सुबह अंधेरे में ये धारोश ने दूध पाने के लिए जाने लगे दोरी भरचिया उड़िया केवड़ खाल खालचिया मजलिया वरील मंडलीच दुष्ट पाणाने व अकसाने के ले लिया तकरारी मुड़े मतलब कि इनको जो दोरीवर का कंप्लेन आया था जंपिंग का जो इनका कंप्लेन आया था उसको रोकने लगे यह भी सही से कर रहे थे दहा उड़िया पाए ना अड़कता मारनेत मी पोच हो तो मतलब कि दस बार ये अच्छे से मारना सीख गए थे अभी कोई कम्प्लेन भी नहीं आती थी कोई गड़बड़ी भी नहीं करते थे कचहरी सुटली की किमी गिरगा रस्त्याने धावत येऊ लागलो जैसे ही ऑफिस छुटी तुरंत वो गिरगाँव के रस्ते से जॉगिंग करने लगे केवल पौष्टिक गाड़ी सात्विक आहार शुरू केला सिर्फ पौष्टिक मतलब जिसमें प्रोटीन हो और शुद्ध सात्विक शुद्ध पदार्थ ये सिर्फ खाने लगे जबर जबरछा दहाँ बारह दिवसों में हा कार्यक्रम क्रम चालू लागला मतलब दस दिन तक ये कार्यक्रम चला माझ्यात्ल फर्क मलाज कड़त होता अब इनका जो फर्क था वो इनको लग रहा था कि मैं लगता है पतला हो गया हूँ लहान मुड़े बी पेरले की रोप किति वाड़ हे रोप उपटून पाता त्या प्रमाणे रोज संध्या काटते काटायावर वजन कमी करावे असे वाटते वाटत होते मला और रोज उनको लग रहा था कि मेरा कितना कम वजन हुआ होगा पण मीत इच्छा दाबून धर ली पर वो इच्छा उन्होंने रख के रखा कि अभी नहीं बरोबर एक महीने आदमी वज़न करना हो तो एक महीने में वजन कम करने वाले थे एक महीना भर तो पचा थेम्ब मतलब एक महीने तक उन्होंने घी नहीं खाया केवल दूध सिर्फ दूध पिया दूर दैवाने रोज गायचे के धारोष्ण दूध मिंडिया सोए नवता बैड लक की वजह से उनको डेली धारोष्ण दूध मिला नहीं पर्णकून आहार व्रत जो रात चालू ठेवले पर जो आहार व्रत था वो उन्होंने तेजी से चला रखा था पंद्रह वड़ा भारत फक्त दोन वेड़ाज साखर भरात साखर भात झाला पंद्रह दिवस में सिर्फ दो ही बार ये भात खाया करते थे एकदम सोकाजी ने चोरून कोड़म बी भात चारला वखुलाचिया, चया मजलियावरचिया भाऊजी पसर पसर टवरानी दा ना, नाग नागपुरी वड़ा भात पठौला होता एक बार उन्होंने वड़ा भात भेजा था इनके घर पे। एवड़े अपवाद वेगड़िया भाताला स्पर्श ना ही खेला पर उन्होंने उसको छुआ भी नहीं क्या मुड़े मुख्यतः चर्बीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेले जिसकी वजह से उनके शरीर में चर्बीयुक्त द्रव्य ज्यादा नहीं गए माझी ऐकून, निश्चय पाहुन मंडली ने आदर आदर दुणावल्याच होता मतलब उनकी जो चाल में लोग थे वो उनको आदर कर रहे थे दो गुना ज्यादा आदर कर रहे थे मतलब दुणावल्याचे जी मंडली माझी माझे डाइट चाँड़ी उपोषणा ची चेष्टा करत होती जिन्होंने इनकी डाइट का मजाक उड़ाया था उन्हीं लोगों ने इनको कहा कि पंत फर्क दिख रहा है लगता है तुम्हारा वजन कम हो गया है अशी कुबली उन्होंने बोला जनोबर एज्ञा सार्ख्या अत्यंत कुचकट से जा रहे यानी पंथ भलतेज हाय काय हो रडौला रोडावलेत ऐसे मान्य करावे लागले जैसे जनोबर एगे जो हमेशा तिरके बोलते थे उन्होंने भी इनका कहा कि फ़र्क दिख रहा है बारीकी से इनको जांचा था और कहा सही लग रहा है मंडली चे प्रशस्ति ने मिला भीती वाटत होती एकाज गोष्ठी चे मना मूड भर मांस चढ़ले, पन असली त्रुड़ तारीफ एकून मित चाड़ सारखा नवती इतनी सारी तारीफ सुन के ये चने के झाड़ पर चढ़ गए थे और इनको लगा कि अब मेरे को लगता है मेरा वजन बहुत ही कम हो गया है इतकिया असामान्य मनोनिग्रह अनिजी नियंत्रण कमित कमी बीस मतलब से पच्चीस पाउंड मतलब ये कह रहे हैं कि बीस से पच्चीस पाउंड तो मेरा वजन घट ही गया होगा त्या खात्री ने मतलब उस विश्वास के तहत ये ऑफिस में गए और ऑफिस में जो वजन चेक करने का यंत्र था उस पर अपना पाया रखा और आड़ेली मतलब एक कॉइन टाका आना मतलब एक आना का और टिकट निकाला उसमें से और महीनिया पूर्वी याद से माझे वजन एक से पाउंड दाखौले होते मतलब एक महीने पहले इसने मेरा वजन वन एट्टी वन दिखाया था एक महीने बाद उपास निराग्रह निराहार शास्त्रोक्त आहार दूरीवर्षा उड़िया इत्यादि उग्र साधना के लिए आवर आज टिकट और वजन इतना सारा इन्होंने डाइट किया इतना सारा इन्होंने मनोनिग्रह कॉन्सेंट्रेशन किया और आज उस टिकट पर वज़न था मिनट भर माजा विश्वास बसने मतलब एक मिनट के लिए उनको विश्वास नहीं हुआ एक से बयानवे आड़ी भविष्य होते मतलब कि 192 पाउंड वजन उनका हो गया था मतलब 11 पाउंड वज़न इनका बढ़ ही गया और भविष्य जो था वो लिखा था आप बहुत समझदार और गंभीर हैं मतलब आप बहुत समझदार हैं समझदार होते हैं तो इनका वज़न घट गया होता हल्ली मी वज़न आड़ी भविष्य या दोनों गोष्टीचा चिंता कराए सोड़ून दिले आहे, आड़ी विशेषता डाइट च आहारी तथ जन्मान जन्मांत जानार ना ही छः वजनाचा मार्ग भलत्याज काट्यनतून जातो मतलब इन्होंने अब फैसला कर लिया था कि मुझे उपास अब करना ही नहीं है भविष्य कुछ भी हो वजन कितना भी हो उसका मैं टेंशन नहीं लूँगा चिंता नहीं करूँगा उसका चिंता इन्होंने छोड़ दिया था और डाइट वाइट का जो भी था वो सब कुछ इन्होंने भुला दिया था और वजन का मार्ग जो था वजनाचा मार्ग भलत्याज काट्यातून जातो मतलब कि ऐसे ही उन्होंने वजन कम करने का जो रास्ता था वो उन्होंने छोड़ दिया तो थोड़ा लंबा चैप्टर था दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा स्थूल वाचन मोटे हो तस्लिया मुलानो